डायपर कौन चेंज करता है यार, डायपर। मैंने जो आज का ये वीडियो बनाया ना, ये मैंने सिर्फ इस बात पर बनाई है कि आप लोगों का ये माइंड क्लियर हो जाए कि डायपर कौन चेंज करेगा पेशेंट को। रजिस्टर्ड नर्स का क्या काम होता है और सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट का काम क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गई एक न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई साहब, आज के वीडियो कुछ इस तरह है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट और रजिस्टर्ड नर्स, मतलब जेनेरिक पेशेंट जिसने किया हो, उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इससे पहले मैं आप लोगों का कंसेप्ट इस बात पे क्लियर करूं कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा यार कि ये बंदा, ये नर्स है, ये पेशेंट का पैम्पर चेंज करेगा, मतलब पेशेंट को यूरिन टेस्ट ये करेगा, ये बंदा का ये नर्स करेगा और पेशेंट को फीड करेगा। नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इस तरह है, आज आप लोगों को अवेयर करते हैं, आप लोगों का नॉलेज थोड़ा एडवांस करते हैं इस चीज़ के बारे में कि नर्स का, रजिस्टर्ड नर्स का क्या काम होता है और सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट का काम क्या होता है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जेनेरिक बीएसएन क्या है। जेनेरिक बीएसएन ये मैंने गूगल में सर्च किया, आप लोग के लिए निकाल लिया। जेनेरिक बीएसएन क्या होता है। जेनेरिक बीएसएन इज अ 4-year डिग्री प्रोग्राम एफिलिएटेड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। जेनेरिक बीएसएन जो होता है ये 4-year डिग्री प्रोग्राम होता है, ये डिप्लोमा नहीं होता है। जेनेरिक बीएसएन ये डिग्री प्रोग्राम होते हैं, ये एफिलिएटेड होते हैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से। ठीक है, तो इट इज़ डिवाइड इनटू 8 सेमेस्टर लीडिंग टू एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड नर्स। ये 8 सेमेस्टर पर डिवाइड हुआ है ये जेनेरिक बीएसएन, और ये एलिजिबल करते हैं आपको कि आप एक रजिस्टर्ड नर्स बने। तो जेनेरिक बीएसएन का डिफिनेशन तो मैंने आप लोगों के साथ कर लिया कि ये एक डिग्री का प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम नहीं है, डिग्री पर। रजिस्टर्ड नर्स का अभी मैं जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी आपको बताता हूँ कि रजिस्टर्ड नर्स का काम क्या होता है, जॉब क्या होते हैं, रूल क्या होते हैं, रिस्पांसिबिलिटी उसका क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे रिस्पांसिबिलिटी होते हैं रजिस्टर्ड नर्स के, लेकिन यहाँ पर जो है वो मेन रिस्पांसिबिलिटी उसकी क्या होती है। ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स क्या कहते हैं, असिस्टिंग ऑब्जर्विंग एंड स्पीकिंग टू पेशेंट। असिस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और स्पीक करते हैं पेशेंट के साथ। रिकॉर्डिंग डिटेल एंड सिम्टम ऑफ पेशेंट, मेडिकल हिस्ट्री एंड करंट हेल्थ। प्रिपेयरिंग पेशेंट फॉर एग्जाम एंड ट्रीटमेंट। पेशेंट को एग्जाम के लिए, मतलब अगर पेशेंट कोई पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है तो उसको प्रिपेयर करते हैं प्री सर्जिकल, मतलब जो उसका प्रोटोकॉल होता है प्रिपेयर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। मेडिकेशन और ट्रीटमेंट की ये मतलब RN रजिस्टर्ड नर्स जो होते हैं वो मतलब एडमिनिस्टर करता है, ये CNA नहीं करता है, मतलब ये मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रीटमेंट ये CNA का काम नहीं है। ठीक है, देन मॉनिटरिंग पेशेंट फॉर साइड इफेक्ट एंड रिएक्शन। जो पेशेंट के साइड इफेक्ट और रिएक्शन जो मेडिसिन को होते हैं उसके लिए उस पेशेंट को मॉनिटर करता है रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड नर्स का रूल एंड रिस्पांसिबिलिटी है। इसके अलावा रूल बहुत सारे रूल होते हैं, एडवोकेट रूल, ये कोलाबोरेटर रूल। सर्टिफाइड नर्स एंड असिस्टेंट क्या होते हैं। सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट इज अ 2-year प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू प्रैक्टिस एज अ रजिस्टर्ड नर्स। यहाँ पर लाजिक है, लीडिंग टू प्रैक्टिस एज अ रजिस्टर्ड नर्स। रजिस्टर्ड नर्स जैसा प्रैक्टिस करेगा लेकिन रजिस्टर्ड नर्स नहीं होगा ये बंदा। जिसने CNA किया होगा ना वो रजिस्टर्ड नर्स नहीं होगा, वो नर्स असिस्टेंट होगा, नर्सिंग असिस्टेंट भी उसको कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगा कि सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट क्या होता है। यहाँ पर लेके आए, व्हाट इज सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट। सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट मे आल्सो बी कॉल्ड नर्सिंग असिस्टेंट, अ नर्स एड मीन नर्स के साथ हेल्प करेगा। ठीक है, या पेशेंट केयर असिस्टेंट भी इसको हम बोलते हैं। सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, पेशेंट केयर असिस्टेंट भी बोलते हैं उसको। CNA वर्क्स डायरेक्टली विद पेशेंट एंड नर्सेस। CNA क्या काम करता है, CNA जो है सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट, ये पेशेंट और नर्स के साथ काम करता है। सम ऑफ दियर रिस्पांसिबिलिटी इंक्लूड टर्निंग और मूविंग पेशेंट। टर्निंग, पेशेंट को पोजिशनिंग देना भी ये CNA का काम है, RN का काम नहीं है। RN का काम भी है लेकिन ज़्यादातर जो है ये CNA ये काम करेगा। ठीक है, पेशेंट विद ड्रेसिंग, बाथिंग, ग्रूमिंग, फीडिंग एंड एक्सरसाइजिंग, ये किसका काम होता है, ये CNA का काम होता है। CNA का काम क्या होता है, द एवरी डे जॉब ड्यूटी इंक्लूड, मतलब ये होता है CNA सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट जो होता है उसका एवरी डे जॉब में क्या क्या आता है। ठीक है, हेल्पिंग पेशेंट विद ड्रेसिंग, पेशेंट जब ड्रेसिंग मतलब उसको ड्रेसिंग चेंज करना होता है तो ये CNA करेगा। बाथिंग, उसको बाथ भी, मतलब उसको नहलाएगा भी, ग्रूमिंग करेगा, उसको फीडिंग भी करेगा और एक्सरसाइजिंग भी उसको कौन करेगा, पेशेंट को, CNA करेगा सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया होगा कि गोमेल भाई नर्स का काम तो ये है कि वो पेशेंट को मतलब डायपर चेंज करे, कपड़े चेंज करे, ये नर्स का काम होते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड नर्स का काम ये नहीं है असल में। ठीक है, आप लोग अपना माइंड इस बात पर क्लियर करें कि रजिस्टर्ड नर्स का काम ये नहीं है कि वो पेशेंट को डायपर चेंज करे या उसको क्लॉथिंग चेंज करे, ग्रूमिंग करे या उसको मतलब पोजीशन चेंज करे, ये CNA का काम होता है स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में। दे असिस्ट अदर नर्सिंग स्टाफ, ये क्या करता है, ये CNA जो है
अदर नर्सिंग स्टाफ जितने भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं उसके साथ क्या करता है, हेल्प करता है, असिस्ट करता है, सच इज LPN मीन लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स एंड RN रजिस्टर्ड नर्स के साथ ये क्या करता है, असिस्ट करता है विद मेडिकल टास्क सच इज मॉनिटरिंग वाइटल साइन एंड रिपोर्टिंग पेशेंट वेल बीइंग. Certified nurse assist maintain patient stability by checking water sign and weight, testing urine and regarding intake and output information. Certified nurse assistant का काम ये होता है कि patient की stability check करता है, कि water sign उसका check करता है, weight check करता है, testing urine test करता है, regard intake and output का काम ये क्या करता है, ये CNA का होता है और ये कर inform करते हैं RN को. Provide patient comfort by utilizing resource and material. Transporting patient को एक जगह से दूसरी जगह transport करना होता है, ये RN का काम नहीं है, ये CNA का काम है. CNA का काम ये होता है कि पेशेंट को अगर एक पेशेंट हो वो एक वार्ड से दूसरे वार्ड शिफ्ट मतलब हो रहा है तो उसको RN नहीं लेके जाएगा, उसको सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट जो है सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट वो लेके जाएगा. आंसरिंग पेशेंट कॉल लाइट्स एंड रिक्वेस्ट एंड रिपोर्टिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट टू नर्सिंग सुपरवाइजर. तो आज का मतलब हमारे वीडियो सिर्फ इसी बात पर था कि सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट और BSN जनरल BSN नर्स में क्या फ़र्क है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डे पर कौन चेंज करता है यार डायपर. मैंने जो आज का ये वीडियो बनाया ना ये मैंने सिर्फ इस बात पर बनाई है कि आप लोगों का ये माइंड क्लियर हो जाए कि डायपर कौन चेंज करेगा पेशेंट को. तो डायपर जो है ना ये CNA का काम है, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट. RN का काम ये नहीं है कि वो डायपर चेंज करे पेशेंट को, ये सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट का काम है कि वो पेशेंट को डायपर चेंज करे, पेशेंट को ग्रूमिंग करे, पेशेंट को पोजीशन चेंज करे, पेशेंट को जो है वो क्लॉथिंग करे. ठीक है, ये CNA का काम है, ये RN का काम नहीं है. ठीक है, आज के हमारे वीडियो जो है वो यही तक था. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं तक हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और यूट्यूब चैनल मेरा लाजमी सब्सक्राइब करें. ठीक है, तो मैं आपके लिए नर्सिंग के एडवांस नॉलेज जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह लेके आऊँगा, तो बस सिंपली सपोर्ट करें बस.